हाँ, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया था, और ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, जिसमें कि आपको दो कप दिए हुए थे, ठीक है ना, दो कप दिए हुए हैं और ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अब ऑर्थोगोनली का मतलब तो आपको सीधा सा पता है कि दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनली थे, ठीक है। तो सिंपल सा केस था, दोनों का स्लोप है और उनका प्रोडक्ट करना है और रिजल्ट हमें निकाल लेना है, ठीक है ना। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है, और ऐसे क्वेश्चंस को आपने आरडी समा में देखा भी है, ठीक है, तो कैसे करना होता है, आप जस्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन के बाद 2x(a+2y)(b)(dy/dx=0 हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट dy/dx=, हमें मिलेगा ट्रांसफर क्या बेटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2x/a, इसको इधर भेज दिया तो यहाँ पे b/2y हो जाएगा, तो मतलब आएगा माइनस का bx/ay। सिमिलर मैनर में अगर हम इसके बारे में बात करें तो दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं m1 है, और दूसरे का स्लोप क्या हो गया बेटा, m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का इसे कैसे किया जाए, माइनस का d/c(x/y) हो जाएगा। और इनके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो हो जाना चाहिए था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा b/a/dc, और यहाँ आएगा x²/y² आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल में क्या आ रहा है कि एक्स वाई पे डिपेंडेंट आ रहा है, तो एक्स वाई को कैसे रिमूव करना है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो एक्स वाई को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो इक्वेशंस होती हैं, जो आपके पास इक्वेशंस दी गई फर्स्ट और सेकंड, इन्होंने डिफरेंस निकाल देते हैं। अगर हमने इसका डिफरेंस निकाला तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे x² को कॉमन ले लिया तो आएगा 1/a - 1/c आ जाएगा, और प्लस का y² के साथ आएगा 1/b - 1/d = जाना चाहिए 0। ट्रांसफर कर लीजिए बेटा, तो यहाँ से आएगा x², और ये हम लिख सकते हैं c - a/ac, और ये इक्वल टू का माइनस का y², और यहाँ पे लिख सकते हैं d - b/bd लिख सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी, तो हम लोग इसे थोड़ा सा चेक करते हैं। और यहाँ पे तो हमें क्या निकालना था बेटा, x² / y², तो x² / y² = आपको दिखेगा माइनस d - b/bd, और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो यहाँ आ जाएगा ac/c - a आ जाएगा। ये केस आपको बनता हुआ दिख रहा था, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट है m1 m2 की वैल्यू क्या थी बेटा, -1 थी, ध्यान रखिएगा -1 है तो इसकी वैल्यू -1 है, तो यहाँ आ गया वैल्यू bd/ac, x² / y² की जगह मैंने लिख दिया माइनस d - b/bd (ac/c - a)-1। ओके, और देन हमें क्या करना था, माइनस को इलिमिनेट कर सकते थे आप, माइनस से ये कैंसिल हो जाता, ये कैंसिल हो गया, bd भी कैंसिल हो गया था इससे, और ac कैंसिल हो गया था यहाँ से, इसे यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, तो यहाँ से आया था d - b = आया था c - a, और इसी टाइप का आपको आंसर मिल गया था, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, और हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओके, चलिए तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कुछ इस टाइप का कि अगर मान लीजिए sin θ + tan 2θ > 0 दिया हुआ है, और थीटा की वैल्यू 0 से 2π के बीच में, देन थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा तरीका ये था कि हम लोग इसको sin θ + tan 2θ, और ये वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते थे क्या इसे, कि अगर हम यहाँ से चीज़ों को देखिएगा, tan 2θ अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, sin θ है, तो यहाँ पे हमें sin 2θ है, ठीक ना, और यहाँ पे sin 2θ है, तो अगर हमने tan 2θ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा cos 2θ + 1 आ जाएगा, और विच इज़ ग्रेटर देन 0। और 1 + cos 2θ आपको पता है कि इसकी वैल्यू होती है 2 times cos²θ, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज क्या था, पॉजिटिव था। अगर ये पॉजिटिव है और रिजल्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब ये था कि tan 2θ पॉजिटिव होना चाहिए था, मीन्स 2θ की जो वैल्यू थी वो बिलोंग करेगी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर आप देखें
तो 0 से 2 पाई के बीच में कहा गया बेटा, 0 से 2 पाई के बीच, मतलब एक साइकिल के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, 2 थीटा के बारे में बात की जा रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, तो हम इसे कर सकते थे 0 टू पाई बाई 2, ठीक है ना, यूनियन पाई 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 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक कर सकते थे। एक काम और कर सकते हैं, अगर यही देखा जाए तो ये क्या हो सकता था बेटा कि 2 पाई हो सकता था, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब हो गया 5 पाई बाई 2 हो सकता था, और कहाँ से 2 पाई से, सॉरी यहाँ पे लिख सकते थे 2 पाई से पाई बाई 2 हो सकता था और यूनियन हो सकता था, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 पाई हो जाएगा। तो 3 पाई से लेकर के 3 पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब हो गया यहाँ पर 6 पाई, 3 पाई प्लस का पाई बाई 2 किया तो यहाँ पर क्या आ गया 7 पाई बाई 2 हो गया, ठीक ना। ये केस हो गया, हमने क्या क्या है 2 राउंड ले लिए यहाँ पर। 2 राउंड क्यों लिए हैं, क्योंकि वैल्यू क्या है 2 थीटा के फॉर्म में है, ठीक ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है 0 से 2 पाई है, तो 2 थीटा जो होगा 0 से 4 पाई, तो 0 से 4 पाई के बीच में बात कर ली, तो एक्चुअल में मुझे थीटा चाहिए था, तो थीटा कहाँ बिलोंग करेगा देखिएगा, 0 से पाई बाई 4 करेगा, यूनियन यहाँ पे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 करेगा, यूनियन यहाँ पे आएगा पाई से 5 पाई बाई 4, और देन यूनियन 3 पाई बाई 2 से लेकर के 7 पाई बाई 4, और यही हमारा आंसर आ रहा था, ठीक ना। तो बहुत सिंपल सा केस था जो कि आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा, अच्छे से सॉल्व किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लें बेटा हम लोग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बात करें बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन जो है वो डिपेंड कर रहा था प्रॉबिलिटी के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी आपको आर डी शर्मा में मिल जाता है, ठीक है ना, आर डी शर्मा का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, वेयर ABC ऑब्टेंड बाय रोलिंग द डाइस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो सिंपल सी बात है कि पहली बात तो ABC के चांस कितने हो सकते हैं, ABC के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपके पास क्या है बेटा, ABC 3 वैल्यूज हैं आपके पास, ABC, ठीक है ना, ABC है, और हर एक के लिए कितने चांस हैं, 6 हैं, तो 6 × 6 × 6, तो टोटल केस कितने होंगे, 216, मीन्स एन एफ एस की वैल्यू हो गई 216 हो गई। ओके, जब आपको एन एफ एस मिल गया है, देन आपको कंडीशन के बारे में बात करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन हैज इक्वल रूट, इक्वेशन के इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो इक्वेशन के इक्वल रूट्स का मतलब ये है b² = 4ac, ये आपको पता है कि b² = 4ac हो जाएगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि a और c की वैल्यू क्या हो जाए जिससे b² की वैल्यू 4ac हो जाए, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल के बारे में बात कर लेंगे, एक टेबल फॉर्म कर लेंगे और बहुत सिंपल सा चार्ट बना लेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाए। तो हमने क्या किया, a c की वैल्यू ले ली है, ध्यान से देखिएगा, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम b की वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ac की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ac 1 1 है उस केस में b की वैल्यू जो होगी, अगर ac की वैल्यू 1 है तो क्या होगा बेटा 4, मतलब इसके वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, मतलब एक केस बनेगा, कितने केस बने, एक केस बना, ठीक है। ऐसी मान लीजिए यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 1 2 हो जाए तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उस केस में बी और सी की वैल्यू तो होनी नहीं है क्योंकि 12 का रूट इंटीजर होगा नहीं, मतलब 1 2 नहीं हो सकता, तो 2 1 भी नहीं हो सकता, तो ये केस तो कैंसिल हो गया। ऐसे अगर आपने क्या किया कि 2 2 यूज़ कर दिया होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 और 4 4 = 16 हो गया, तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो सकती है 4 हो सकती है, एक केस तो ये हो सकता है। और तीसरा केस देखते हैं, और कोई देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए 1 3 पुट किया होगा आपने, तो 3 12 आ जाएगा, फिर से नहीं होना है, और 3 1 भी नहीं होगा, ये भी केस कैंसिल हो गया था। ऐसे कुछ केस आपने और भी बनाए होंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 3 ले लिया होगा, 2 3 लिया होगा, मतलब 2 3 का मतलब ये हो गया 24, तब भी रूट नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी का रूट निकल जाना चाहिए इंटीजर टाइप में। तो बी के रूट क्या हो सकते हैं, देखिए बी की वैल्यू 4 हो चुकी है, अब हम यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 4 लेते हैं, 3 3 ले लेते हैं, 3 3 तो 9 4 = 36 हो गया, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है। तो कितने केस बनते हैं यहाँ पे, आपको केस बनते हुए दिख रहे हैं, एक 3 केस तो दिख रहे हैं आपको, 2 3 वाला केस तो हुआ नहीं था क्योंकि 2 3 6 4 = 24 होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया था यहाँ पे, आपके पास क्या आया, 1 आया था उस केस में, आपके पास केस आ गया था, फिर क्या आया यहाँ पर, AC की वैल्यू 1 आ गई थी, फिर यहाँ पर अगर हमने 2 2 के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर बात आ गई थी 16 की, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 9 तो हो नहीं सकता है, तो 2 हो सकता है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो सकता था, 4 हो सकता था, और ये 16 हो गया। अब क्या हो सकता है, 3 3 ले लिया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, यहाँ वैल्यू आ गई 36। तो ये केस बन जाता है, और भी केस अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू पे वी की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि अगर हम मान लीजिए 3 4 लेते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, 48 आ जाएगा, और 48 का रूट जो होगा वो 6 से अधिक होगा, और 6 से हम अधिक तो जा नहीं सकते हैं। ओके, तो हमारे पास केस जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 3 3 बन गया, 2 2 बन गया, 1 1 बन गया, और देखते हैं और क्या केस हो सकता है। और केस अगर देखें तो 2 3 देख लिया जाए, 2 3 देख लिया जाए, तो 2 3 की वैल्यू क्या हुई थी, यहाँ पे आया था 6 4 जा, और 3 2 भी नहीं हो सकता है, फिर 2 2 भी नहीं हो सकता है, और फिर 1 3 देख लेते हैं, 1 3 अगर देखा जाए, 1 3 देखा गया तो 1 3 4 नहीं हुआ, 3 1 भी नहीं हुआ, फिर बच क्या गया हमारे पास केस। हाँ, तो इसके आगे और केस देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने देख लिया ए की वैल्यू 1 पुट कर दिया और यहाँ 4 पुट कर लिया, ठीक ना, ए की वैल्यू 1 और 4 पुट कर लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 16 हो गया, अगेन 16 हो गया, तो ये वैल्यू 16 अगर आ गई है तो इसका बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 16 आए तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, मतलब ये केस हो सकता है, तो फिर 4 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो टोटल केस आपको जो दिख रहे थे वो टोटल केस आपको 5 दिख रहे थे, केस कितने हैं, 5 केस है, और 5 और टोटल केस कितने थे यहाँ पे, 216 थे, तो ये हमारा रिजल्ट आया हुआ था, ठीक है ना। तो सिंपल सा केस था कि यहाँ पे अगर आप टेबल फॉर्म करके सॉल्व करते तो इजीली सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट देख ले, हाँ तो बात करते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का था, और ये मैक्सिमम मिनिमम स्टेप का क्वेश्चन आपने देखा होगा। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 6 डिग्री विथ यूनिट विथ लीडिंग कोफिशिएंट यूनिट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या बेटा, यूनिट है, इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स आपने जो भी एज्यूम किया होगा वो एक्स पावर 6 से स्टार्ट किया होगा, ए एक्स पावर 5 प्लस बी एक्स 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस का ई एक्स प्लस एफ, इस टाइप से आपने एज्यूम कर लिया, इस टाइप से एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया, और आपके पास कंडीशन ये दी थी कि लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स इज अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड बाय एक्स क्यूब हो गया था, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, तो एक्स क्यूब से अगर डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है कि लिमिट एक्स टेंस टू अगर आपने 0 कर दिया, ध्यान रखिएगा ये हमने एज्यूम किया हुआ है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है, तो अगर आप एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट देखिएगा, इस वैल्यू को देख लीजिएगा, ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज हैं, डिवाइड बाय एक्स बच जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाय एक्स बच जाएगा तो सिस्टम को वो क्या करेगा, इनफाइनाइट कर देगा, इसका मतलब है कि इस पूरे क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, मतलब डी ई और एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ध्यान से देखिएगा, अगर इसको देख लें ध्यान से, तो यहाँ पर अगर एक्स क्यूब से एक्स को इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सबके साथ एक्स बच जाएगा, और एक्स टेंस टू 0 तो मतलब इसका रोल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका रोल 0 हो जाएगा, तो इसका रोल 0 हो जाएगा, तो मतलब सीधा सा है कि बच जाएगा क्या, ये एक्स क्यूब कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में सी की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो कहा गया था वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, मतलब हमारा जो फंक्शन एक्चुअल में आया है वो आया है एक्स पावर 6 प्लस ए एक्स रेस्ट पावर 5 प्लस बी एक्स 4 और प्लस एक्स क्यूब है, एक्चुअल में ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पे अननोन क्या है, ए और बी अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए दो चीज़ें दी है बेटा, इनका एक्सट्रीमम दिया हुआ है, एफ डैश एक्स अगर आप करते हैं दिया जाएगा 6x पावर 5 आएगा प्लस का 5 ए एक्स 4 हो जाएगा प्लस का बी 4 टाइम्स एक्स क्यूब होगा और प्लस 3x² होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि एक्सट्रीमम पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम मिनिमा किस पे चेक हो रहा है, 1 और माइनस 1 पे चेक हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले दें तो ध्यान से देखिएगा, ये 6x³ हो जाएगा प्लस का यहाँ आएगा 5ax² प्लस 4bx हो जाएगा प्लस 3 आ जाना चाहिए, और इस वैल्यू को हमें 0 करना है एट x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 पे, तो 1 पुट कर दिया हमने, तो 6 + 5a प्लस 4b + 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, और जब माइनस वन पुट किया तो यहाँ पे आया माइनस का 6 माइनस सॉरी प्लस का 5a और यहाँ आएगा माइनस
फोर बी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आपको सिंपल सा है कि आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और हमें निकालना जो है वो निकल आएगा। इसे सॉल्व करना है तो ऐड कर लेते, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। यहाँ से आ गया टेन ए इज इक्वल टू आ गया माइनस का सिक्स, मीन्स ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का थ्री बाई फाइव आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई है। इसी टाइप से आपने को बी बी की वैल्यू निकाल लेनी है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सिक्स माइनस फाइव ए की वैल्यू हो गई माइनस का थ्री, प्लस फोर बी और प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो थ्री से थ्री कट गया और बी की वैल्यू आ गया आपके पास माइनस थ्री बाई टू आ गया। मीन्स जो आपके पास इक्वेशन आई है वो एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई है एक्स रेज पावर सिक्स माइनस थ्री बाई फाइव एक्स पावर फाइव, और बी की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब आ गई है। और देन आपको निकालना क्या था बेटा, फाइव टाइम्स एफ ऑफ टू निकालना है, एफ ऑफ टू निकालना था, तो हम क्या कर सकते थे, एफ टू लगा सकते थे, ठीक ना, और फाइव टाइम्स, तो फाइव टाइम्स एफ टू के बारे में बात की गई, तो टू लगा देते हैं। तो फाइव टाइम्स टू अगर पुट किया तो टू पावर सिक्स मतलब कितना हो जाना चाहिए, थर्टी टू, और फिर सिक्सटी फोर होना चाहिए, टू पावर सिक्स का मतलब सिक्सटी फोर माइनस थ्री बाई फाइव इंटू में हो जाएगा थर्टी टू और माइनस थ्री बाई टू, और टू का मतलब हो गया सिक्सटीन प्लस का एक्स क्यूब मतलब हो गया एट, ठीक ना। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेते और इसका आंसर आप निकाल सकते थे। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आपके लिए हो जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है कुछ कि अगर आपके पास कोई कर्व है और जिसका स्लोप है, इफ द स्लोप एट एनी पॉइंट टू अ कर्व इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना, एट द कर्व पासेज थ्रू द ओरिजिन देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑल्सो लाई ऑन द कर्व। तो सिंपल सा बात होता है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन पे कर्व को निकालना होता है, और कर्व निकालते समय हमें ध्यान ये रखना होता है कि आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो जो इक्वेशन है एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो इक्वेशन हमारे पास है कुछ इस टाइप की है, अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस का y प्लस 8 है, डिवाइड बाई अगर हम देखें तो यहाँ पे x माइनस का 2 है, ठीक है ना। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इसको डिफरेंस इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x माइनस का 2 कर सकते थे, और इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते थे। एक काम करते हैं हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक ना, जहाँ पास केस था ना बेटा उसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, x माइनस टू होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाता और क्या हो जाता प्लस का 4, तो यहाँ पे हम माइनस का 4 कर देते तब काम बन जाता अपना, सेपरेट कर लेते अगर हम इसे, तो यहाँ से आता x माइनस टू आ जाता, कैंसिल हो जाता, और प्लस का 4 मतलब ये हो गया y प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस का 2 हो जाता और ये dy वाई बाई डी एक्स हो जाता, ठीक ना। अब एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कर सकते थे कि इसको यूज़ कर सकते थे, जैसे x माइनस टू इज इक्वल टू हमने कैपिटल x मान लेते, ठीक ना, y प्लस 4 इज इक्वल टू कैपिटल y ले लिया जाता, और अगर देखा जाता कि dx की जो वैल्यू आती, dx की जो वैल्यू आती वो कैपिटल dx आ जाती और dy की वैल्यू आती वो dy आ जाती। इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते थे, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते थे, अब इज इक्वल टू इसे लिख सकते थे एक्स प्लस इसे लिख सकते थे वाई अपॉन इसे लिख सकते थे एक्स, ओके। और इसके बाद अगर देखते आप इसे तो ये कुछ ऐसा हो जाता बेटा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाता और माइनस का वाई अपॉन एक्स हो जाता इज इक्वल टू एक्स हो जाता, और ये लीनियर इक्वेशन हो जाती आपके पास, क्या जाती, लीनियर इक्वेशन हो जाती। अगर लीनियर इक्वेशन हो गई है तो इसके बाद तो सॉल्व करना आसान था, ठीक ना भाई, आई एफ निकल आता। आई एफ क्या होता, आई एफ होता आपका पास ई रेज पावर माइनस का वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाता, और उसकी वजह होती ई पावर माइनस का एल एन एक्स हो जाती, और माइनस एल एन एक्स का मतलब वन अपॉन एक्स ही हो जाता, ठीक ना, ये केस हो जाता। तो इसका जो सोल्यूशन आता आपके पास तो ये आता वाई इंटू आई एफ, आई एफ का मतलब वन अपॉन एक्स हो जाता इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखते बेटा, राइट साइड इंटू वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाता प्लस का सी हो जाना चाहिए था, एक्स कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए था, एक्स जाना चाहिए था, वाई अपॉन एक्स हो जाता इज इक्वल टू प्लस का सी, ओके। ये केसेस बनते हुए दिख रहे हैं आपको, और देन क्या हो जाता है, वाई इज इक्वल टू हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स, एंड दिस वन वाई की जगह क्या पुट करना था आपको, वाई प्लस फोर,
एक्स जगह एक्स माइनस टू और प्लस सी एक्स माइनस टू पुट कर देते। और ये कहाँ से पास हुआ था बेटा? पास इज टू ओरिजिन दिया गया था, ओरिजिन से पास करेगा तो सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पे आएगा फोर और ये तो हो गया, तो हो गया फोर प्लस का माइनस का टू सी, फोर फोर कट जाता तो सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? जीरो आ जानी चाहिए थी। सी अगर जीरो आ गया तो इक्वेशन वापस आती, वाई प्लस फोर इज इक्वल टू आता एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। और जो भी पॉइंट को आपको सेटिस्फाई करना था आप इसे सेटिस्फाई करा देते। ओके, बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। अब देखिए, नॉट डिफरेंशियबिलिटी का केस ये होता है बेटा कि अगर आपके पास कोई भी कर्व में अगर कॉर्नर पॉइंट मिल जाए या डिसकंटिन्यूस पॉइंट मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो नॉट डिफरेंशियबल पॉइंट होता है। तो अगर देखा जाए तो मॉड के क्वेश्चंस में हमेशा मॉड में क्या होता है कि ये हमेशा कॉर्नर पॉइंट क्रिएट करता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर देखी जाए तो माइनस का 1/2 होगा जहाँ से आपको कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस का 2 होगी जहाँ से कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। अगर इसको देखें तो इसका ब्रैकेट जगह देखा जाए तो यहाँ पे एक्स प्लस का 2 होगा और यहाँ से आएगा एक्स माइनस 1। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 तो हमने ऑलरेडी देखा है, एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था कि ये 3 पॉइंट्स आपको मिल जाते जहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता? डिफरेंशिएबल नहीं होता। ओके, चलिए बेटा, बहुत आसान सा था, इसे आपने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट देख ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था बेटा, क्वेश्चन 3D के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस सेटिस्फाई द रिलेशन एल प्लस एम इज इक्वल टू एन, एल प्लस एम इज इक्वल टू एन दिया हुआ है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर दिया हुआ है, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अल्फा निकालना बेटा, तो इसका मतलब सीधा सा था कि आपको डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यूज निकालनी थी। और डायरेक्शन कोसाइन तो यहाँ से निकलता नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन से, तो आपको डायरेक्शन रेशियो मिलता है और डायरेक्शन रेशियो से हम लोग एंगल तो निकाल ही सकते हैं। तो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक काम कर दीजिए कि एल प्लस एम एन की जगह आप पुट कर दीजिए। तो अगर आपने एन की जगह एल प्लस एम पुट किया तो एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन की जगह अगर आपने पुट किया तो यहाँ से आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM आ जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब है L और M की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। आइदर L जीरो होगा या तो M जीरो होगा, ठीक है ना। LM की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। हम लोग एक काम करेंगे कि L की वैल्यू अगर जीरो है, ध्यान से देखिएगा, अगर L की वैल्यू जीरो है, L अगर जीरो है और दूसरा केस हो सकता है कि M की वैल्यू अगर जीरो है, तो हम क्या करेंगे कि L के फॉर्म में ही वैल्यू को निकालने की कोशिश करें। M इज इक्वल टू N आ जाएगा बेटा, M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? N आ जाएगा, मतलब m और n के रेशियोज इक्वल होंगे, m और n के रेशियोज इक्वल होंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर m जीरो है, m अगर जीरो है तो l और n के रेशियोज इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो यहाँ पे m की वैल्यू जीरो है और हम लोग के पास एंगल के बारे में बात होती है तो इनके रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे l m दिया हुआ है, l की वैल्यू क्या बेटा? n है और यहाँ l जीरो है तो जीरो हम कर सकते हैं इसका, m की वैल्यू को हम n कर सकते हैं और अगर m की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? जीरो। m और n की वैल्यू इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? n की वैल्यू को अगर हमने मान लिया 1 है तो n की वैल्यू, m की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है ना। और l की वैल्यू अगर n है तो यहाँ पे n की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी, अगर ऐसा देखा जाए तो, ठीक है ना। अगर हम इसके बीच का एंगल देखना चाहें तो cos alpha, cos alpha डॉट करना होता है तो l का l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। m का अगर आप m से मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट जीरो आ जाएगा और n का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? रूट 2 आ जाएगी। और इसका भी मैग्नीट्यूड तो रूट 2 हो जाएगी तो वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। मतलब अल्फा की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो एक्चुअल में क्या आनी चाहिए थी बेटा? अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अल्फा क्या होगा? 60 डिग्री। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते रूट 3/2 हो गया, रूट 3/2 की पावर 4 हो गई और प्लस 1/2 पावर 4 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? ये हो जानी 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा 9/16 और प्लस यहाँ 1/16 मीन्स वैल्यू होगी 10/16 मीन्स वैल्यू आ जाएगी 5/8, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर था। तो इस टाइप से आपको रेशियो सॉल्व करना था और क्वेश्चन को हैंडल कर लेना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफएक्स दिया हुआ था और डिफाइन करा था 1 से 2 के बीच में और ये रोलिस के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन था। रोलिस थ्योरम अप्लाई हो रही थी। अब रोलिस जैसे ही अप्लाई होगा तो इसका मतलब ये है
कि आपके पास जो एफ ऑफ वन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एफ ऑफ टू की वैल्यू हो जानी चाहिए थी, और जैसे आपने वन पुट किया तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वन माइनस ए प्लस बी प्लस वन इक्वल, जब टू पुट किया तो आप वैल्यू आएगी एट माइनस का फोर ए प्लस टू बी और प्लस वन आ जाएगी, ठीक ना। इससे आपके पास ए बी के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे अगर ट्रांसफर करेंगे तो यह आएगा थ्री बी आएगा, और बी को अगर ट्रांसफर किया था तो यहाँ पे माइनस बी वन तो यहाँ से कट सकता था, इधर ट्रांसफर किया है एट को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का सेवन आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया। तो एक रिजल्ट आ गया हमारे पास थ्री ए माइनस बी माइनस सेवन इक्वल टू जीरो रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। एक केस तो ये आ गया। अब हमें देखना ये है कि दूसरी कंडीशन क्या मिल सकती, दूसरी कंडीशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी एफ टेस्ट फोर बाई थ्री की वैल्यू जीरो दी गई, तो एफ टेस्ट फोर बाई थ्री एफ टेस्ट कर लेते बेटा, तो अगर किया था हमने तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स हो गया और प्लस बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री होना चाहिए, तो फोर बाई थ्री कर लीजिए तो थ्री यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटीन बाई नाइन माइनस टू ए और ये फोर बाई थ्री और प्लस का बी इक्वल टू आ गया जीरो, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्सटीन बाई नाइन है तो यहाँ पे थ्री कर लेते बेटा, यहाँ पे तो ये हो गया सिक्सटीन बाई थ्री, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे, एट ए अपॉन थ्री आ गया और प्लस बी इक्वल टू आ गया जीरो, फर्स्ट और सेकंड को अगर हमने ऐड कर दिया, क्या कर दिया ऐड कर दिया, ऐड करने पे बी कैंसिल हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, और थ्री ए ऐड किया तो माइनस का एट, तो मतलब थ्री माइनस नाइन नाइन माइनस एट ए बाई थ्री हो जाएगा, क्या आ गया बेटा ए बाई थ्री आ गया, ए बी कैंसिल हो चुका है, और इसे अगर हमने ऐड किया तो सिक्सटीन बाई थ्री माइनस सेवन, तो यहाँ पे माइनस का ट्वेंटी वन हो जाएगा बेटा, माइनस ट्वेंटी वन और प्लस का सिक्सटीन मीन्स माइनस फाइव बाई थ्री, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो फाइव आ जाएगी, ए अगर फाइव आ गया तो ये फिफ्टीन हो गया, फिफ्टीन माइनस सेवन मतलब हो गया एट, एट को इधर ट्रांसफर कर दिया तो बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा एट आ गया, तो ए बी की वैल्यू आप इस टाइप से निकाल सकते थे, ठीक है, आसान था। नेक्स्ट देख लिया जाए, ये क्वेश्चन जो था ये डिपेंड करता था बेटा मैट्रिसेस के ऊपर, और यहाँ पे पूछा गया था हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब पूछा जाता है तो आपके पास सीधा सा तरीका ये होता है बेटा उसका डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो होना चाहिए, तो के हो गया टू हो गया थ्री हो गया, यहाँ वन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ टेन माइनस वन और वैल्यू होनी चाहिए माइनस का टू, और इसकी वैल्यू आपको जीरो देख लेनी है, इसे सॉल्व कर लीजिए रिजल्ट आ जाना चाहिए था, और यहाँ से आएगा के साथ आया था टू और माइनस का वन और माइनस टू के साथ आएगा माइनस टू और प्लस का टेन, माइनस टू प्लस टेन मतलब हो गया एट, और प्लस थ्री के रिस्पेक्ट में वैल्यू आई थी माइनस वन और प्लस का टेन मतलब नाइन, इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया था, यहाँ की थी के, और अगर देखें तो यहाँ पे ट्वेंटी सेवन और माइनस का सिक्सटीन, ट्वेंटी सेवन माइनस का सिक्सटीन अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए माइनस का प्लस का इलेवन इक्वल टू माइनस इलेवन, तो के का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी इलेवन आ जाएगी। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसे आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाँ तो बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन जो दिया गया था, अगला क्वेश्चन जो था वो वाई इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया एंड वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया गया था, इंटरसेक्ट एट मेनी पॉइंट्स इफ एरिया इज इंक्लोज्ड बाय देम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरसेक्शन पॉइंट्स इज ए देन ए पावर फोर, मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉस एक्स और साइन एक्स एक दूसरे को तो बहुत सारी जगह कट करते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक ना। अगर मान लीजिए हमने साइन एक्स को कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, ठीक ना, और कॉस एक्स क्या होगा कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है बेटा, होता है ना, और फिर यहाँ जाकर कट करेगा आपको इस टाइप से कट कर रहा है। तो इसने ये कहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट एक कट किया और दूसरा पॉइंट ये कट करता है, और इसके बीच की जो एरिया है एक्चुअल में वो एरिया ये है, इसकी एरिया की जो वैल्यू दी गई है वो एरिया की वैल्यू है ए, ठीक ना। देन हमें क्या करना है ए पावर फोर की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है पहले, देन ए पावर फोर की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये तो आपको पता होगा कि वैल्यू होती है पाई, सॉरी पाई बाई फोर, ये वैल्यू क्या होती है बेटा पाई बाई फोर होती है, ये वैल्यू होती है पाई बाई फोर, ठीक ना। तो हम इसे लिख लेते हैं पाई बाई फोर, और ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है फाइव पाई बाई फोर,
और यहाँ के बीच की अगर आपको एरिया निकालनी है तो ऊपर की जो ग्राफ है, ऊपर का जो ग्राफ है बेटा वो किसका है, वो साइन एक्स का है, और साइन एक्स से आपको क्या करना है, कॉज एक्स के एरिया को माइनस करना है, ठीक है ना। साइन एक्स के एरिया से कॉज एक्स के एरिया को माइनस करना, तो एक काम करते हैं, हमने क्या कर दिया, साइन एक्स लिखा माइनस कॉज एक्स कर दिया, और हमने बात कर ली पाई बाई फोर से लेकर के 5π/4 के बीच की, और चेक किया कि इसकी वैल्यू क्या आती है। साइन एक्स का ऑब्वियस सी बात है कि माइनस का कॉज एक्स हो गया, और माइनस का कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स हो गया, और लिमिट लगानी है मुझे 5π/4 से और π/4 के बीच की, माइनस बाहर निकाल दीजिए बेटा आप, ठीक है ना। अब हमें लगाना है 5π/4, तो कॉज 5π/4 का मतलब हो गया पाई प्लस, मतलब आप थर्ड में जाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, मतलब माइनस का 1/√2, ठीक है। और पाई बाय, और इसमें पुट किया तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, माइनस का 1/√2 होगी, और माइनस, अब बात करनी पाई बाय फोर की, तो पाई बाय फोर पर वैल्यू 1/√2 और प्लस 1/√2, ये तो सिंपल समझ में आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मीन्स वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का ये कितने हो जाएगा बेटा, माइनस फोर टाइम्स हो जाएगा ना, तो 4/√2 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आ गई 2√2 आ जाएगी। तो ये एक्चुअल में एरिया है, और इसकी पावर 4 मुझे निकालनी है, तो इसकी पावर 4 अगर किया तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, पावर 4 क्या, तो यहाँ 16 हो गया, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक ना, और 16 × 4 का मतलब हो गया 64, तो ये आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो तरीका समझ में आ गया है, नेक्स्ट देख ले। तो बात करें बेटा क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है विच इज ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, ठीक ना। अब एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बेटा ग्रेटर देन जीरो कब हो सकती है, अब क्वाड्रेटिक है, अब ग्रेटर जीरो है का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा रहेगी, जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी तो इसका मतलब है कि नो रूट का कंडीशन होता है, नो रियल रूट, और नो रियल रूट का केस क्या होता है, डी की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा केस था कि डी की वैल्यू को लेस देन जीरो कर लेना था। अब डी का मतलब ये हो गया कि माइनस का 2 times था 3k-1 का, अगर आपने स्क्वायर कर लिया, और माइनस का था 4 times a × c, तो a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 8k² - 7, और विच इज लेस देन जीरो। देन क्या करना था, इसे 4 times अगर आपके पास ये केस है तो ये हो गया 9k² + 1 - 6k - 4 times, और ये हो गया 8k² - 7 विच इज लेस देन जीरो। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो सकता था, 9k² - 8k² k² - 6k, और ये वैल्यू आनी चाहिए थी 1 और प्लस 7, मतलब प्लस का 8 हो जाना चाहिए था, और इक्वल टू 0। यहाँ आ गया k की वैल्यू -2 और k - 4, और विच इज लेस देन जीरो है बेटा, क्या है, लेस देन जीरो है। तो k का मतलब ये हो गया कि 2 और 4 के बीच में है, 2-4 के बीच में एक इंटीजर वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। हमें क्या निकालना था, इंटीग्रल वैल्यू निकालनी थी, और k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए था, 3 आ जाना चाहिए था। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए।